साइकिल ट्रैक में अब साइकिल नहीं, यहाँ पे टू व्हीलर वाहन चल रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूटी होंडा तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। यह स्मार्ट सिटी द्वारा 2017 में साइकिल चलाने के लिए यह टेंडर पास हुआ था, जो कि पूरी तरह से बन चुका है और पूरी तरह से निरस्त नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है जहाँ पे साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ तक कि घड़ी चौक से लेकर गांधी उद्यान तक ठेलों की कब्जे, आप देख सकते हैं कि आपको सीधा तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि नारियल का ठेला है, ये तो नारियल का ठेला एक है, पर आगे और जाएंगे तो बहुत सारे ठेले लगे हुए, पान ठेले लगे हुए हैं, जो कि निगम प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। घड़ी चौक से लेकर गांधी उद्यान तक साइकिल ट्रैक में ठेलों का कब्जा है, इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? समय समय पे कार्रवाई की जाती है उन पे, है ना। अभी जैसे कार्रवाई करेंगे तो दो दिन वो रहेंगे, तीसरे दिन से फिर लगा देते हैं, तो नेचुरली है, उनका व्यवसाय रहता है। अब हम कार्रवाई करते हैं, वो भाग जाते हैं ठेले लेकर, और जैसे ही हम कार्रवाई एक दो दिन के लिए छोड़ देते हैं तो फिर से आ जाते हैं। अब उसमें रेगुलर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इससे पहले कार्रवाई कब किए थे आप लोग? इससे पहले एक महीने पहले कार्रवाई हुई थी जी। यहाँ जो कार्रवाई करने के बावजूद आ जाते हैं, तो उस पर आगे आप क्या एक्शन लेंगे? अब जब्ती की कार्रवाई, चूँकि कच्चे फल सामान रहते हैं तो हम लोग जब्ती नहीं करते। अब उनका एक यही ऑप्शन है कि उनको जब्ती करना पड़ेगा, उनके सामान सहित उनको जब्त करना पड़ेगा, उनको नुकसान होगा। जब्ती कब होगा? जब्ती होगी अभी कार्रवाई, अभी आप लोग जाए पीछे, हम भेज देते हैं टीम, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं इसको। जोन कमिश्नर का कहना ये है कि अभी जो जब्ती किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।